कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बताते हुए कहा कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता। देश में सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी को लेकर के वे जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये जरूरी है। यात्रा के कोटा में प्रवेश करने के बाद जगपुरा पहुंचे, इससे पहले आलनिया में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। गुरुवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा अनंतपुरा के पास से शुरू होगी, जो गोबरिया बावड़ी, विज्ञानगर, एरोड्राम चौराहा, घंटाघर चौराहा होते हुए स्टेशन से रंगपुर पार करके गुड़ली जाएगी। इस नुक्कड़ सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। संचालन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया और इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सुबह 6 बजे से हम पैदल चल रहे हैं, घंटों चले हैं। हम बोलते नहीं हैं, हम आपकी बात सुनते हैं। हमारे पास जो भी आना चाहता है आ जाता है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, माताएं बहनें, मनरेगा के मजदूर, छोटे दुकानदार, जो भी इन सड़कों पे हमें हमसे बात करना चाहते हैं आ सकते हैं, आ जाते हैं। और हिंसा के बारे में तो आप हर रोज देखते हो, देश को बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो ये 3 लक्ष्य हैं यात्रा के, नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ खड़ा होना, और जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनकी बात सुनना और समझना। कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 4-5 लोग हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा फायदा 4-5 लोगों को हो रहा है। वो लाखों करोड़ रुपए कर्जा ले सकते हैं, उनका 1 सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, 1 लाख रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते। हमने आपसे वायदा किया था, आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, याद है आपको? किया ना? तो जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज हम चाय पी रहे थे, सुबह किसान के घर में हमने चाय पी, किसान आया मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी, आपने हमारा कर्जा माफ किया, आपने हमने हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे 22 लाख लोग हैं। मगर दुख की बात है कि जो दिल्ली की सरकार है, वो गरीबों पर, छोटे व्यापारियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर 24 घंटा आक्रमण करती है। 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा, कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। गांव में मनरेगा होती थी, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। बायकॉट कर रहे इस यात्रा का, बताइए आप, कितनी शर्म की बात है। अधिकांश लोग बायकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ये मीडिया की ड्यूटी है कि वो चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र के अंदर। चौथा स्तंभ का मतलब बहुत बड़ा होता है, मायने रखता है। मैं उनको पूछना चाहूँगा, क्या आप सामाजिक छलों का नहीं निभाओगे? क्या आप निभा रहे हो ईमानदारी से? नहीं निभा रहे लोग। इतना पैदा कर रखा है देश के अंदर, आज जो माहौल बना रखा है वो माहौल बहुत खतरनाक माहौल है। इसको समझ नहीं आ सकता है, पूरे देशवासी समझ रहे हैं। और किसी का घमंड अहम नहीं चलता है राजनीति के अंदर। लोकतंत्र में तो पक्ष होता है, विपक्ष भी होता है। परेशानी जो दुख समाज में, देश में, प्रदेश में है, उस सबको
सुनने समझने और उनका समाधान ढूंढने के लिए राहुल गांधी जी आज निकले हैं। आज आप लोगों ने जिस उत्साह से इस यात्रा का स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। हमारे देश में जो आज वातावरण बना है, जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो आपस में आक्रोश पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, सबने देखा। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, सब लोग आकर मिल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, और हम सब लोग और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी उन सब बातों को सुन रहे हैं।